भारतीय स्वास्थ्य मिशन के निदेशक डॉक्टर बीएन चौहान ने सोमवार को जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। उन्होंने इमरजेंसी ओपीडी के साथ साथ जब वह जच्चा बच्चा वार्ड पहुंचे तो उन्होंने सिर्फ एक ही महिला कर्मचारी की ड्यूटी पर तैनात पाया। वहीं दो अन्य महिलाएं कर्मचारी ड्यूटी से नदारद रही, जिस पर उन्होंने सिविल सर्जन को फटकार लगाई और कहा कि जितने स्टाफ की ड्यूटी है उतने ही उपस्थित होना चाहिए। इसके अलावा अस्पताल के सभी वार्डों का निरीक्षण भी किया। इस दौरान वह अस्पताल की व्यवस्थाओं से संतुष्ट नजर आए। सोमवार को मिशन निदेशक डॉक्टर बीएन चौहान टीम के साथ जिला अस्पताल पहुंचे थे। उन्होंने सबसे पहले इमरजेंसी देखी, वहीं तैनात डॉक्टर और फार्मासिस्ट से पूछताछ भी की। इसके बाद इमरजेंसी में मौजूद दवाओं का निरीक्षण भी किया। डॉक्टर चौहान ने इसके बाद इमरजेंसी वार्ड में पहुंचे और मरीजों का हाल भी जाना। खास बात यह रही कि उन्होंने अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर सीएमएचओ, सिविल सर्जन व समस्त डॉक्टरों के साथ आवश्यकताओं के बारे में चर्चा की। तो वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि अस्पताल पहले 100 बिस्तरों का था, जनवरी से यह 200 बिस्तरों का हो गया है। उसके हिसाब से जो वार्ड आदि इत्यादि की हमें जरूरत पड़ती है इसी का मुआयना किया गया है। इसमें 50 बिस्तरों का वार्ड और बनाने की आवश्यकता है। वहीं दूसरा जो डॉक्टरों के पदों की स्थिति है, वह 26 मेडिकल ऑफिसरों के पद स्वीकृत हैं, पर यहां 13 मेडिकल ऑफिसर ही काम कर रहे हैं, जो डॉक्टरों की कमी निकल कर सामने आई है। ये बड़ी समस्या है जिसके बाद निपटने का हम प्रयास करेंगे। बाकी ऑल ओवर अस्पताल की व्यवस्था साफ सफाई को लेकर हम संतुष्ट हैं। डबल हाँ मत करना, फिर आप फंस रहे हो उसमें। अगर 200 बिस्तर का है तो फिर 200 रहना चाहिए। हमारा अभी कमी पेशी है वो भी मेरे पास में, एक अस्पताल प्रशासन के हमारे डॉक्टर दुबे मेरे साथ में, तो तीनों चारों लोग हैं जो मोटी मोटी चीज़ें सुधार करने वाले। हम राज्य स्तर से क्या कर सकते हैं और यहाँ से इनको क्या करना, तो मोटी की अब यहाँ तो नहीं, राज्य स्तर से कुछ करना है तो वो लोग इसे एक्सरे मशीन एक सप्लाई करवाना है, तो वो आज ऑलरेडी ऑर्डर करने के इनको बोल दिया हमने। और भी कोई गेप है, मैटरनिटी में इन्होंने ऑर्डर प्लेस किया है लेकिन वो कॉरपोरेशन से अभी सप्लाई नहीं हुए इक्विपमेंट्स वगैरह ये मैटरनिटी। डॉक्टर साहब, दूसरा ये है कि जो ट्रॉमा सेंटर जो 8 करोड़ की बिल्डिंग बनी है, इसका जो मूल उद्देश्य जो है जिसके लिए बिल्डिंग बनाई गई थी उसका उपयोग नहीं हो पा रहा, तो ये क्या कब तक आपका बजट के बाद क्या हम समझें कि कब तक ये शुरू हो जाएगा? नहीं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया है कि यहाँ जो क्लास 1 डॉक्टरों के पद जो है और क्लास 2 और क्लास 1 दोनों के, क्लास 1 में मेडिकल, क्लास 1 में जो आते हैं सीनियर डॉक्टर्स हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं, और जो मेडिकल ऑफिसर होते हैं वो क्लास 2 होते हैं, तो पदों की कमी। और उसी की मेन मुद्दा यही है कि जो हमारे जो सीनियर डॉक्टर्स हैं क्लास 1 जो विशेषज्ञ डॉक्टर हैं उनकी कमी की वजह से इसको क्रियाशील नहीं कर पा रहे हैं। डॉक्टर साहब, एक और अभी मामला सामने आया, अभी 2 दिन पहले एक जिला अस्पताल में एक मरीज आया हुआ था। मैं उस मरीज की स्थिति ये थी कि प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों से जिन मरीजों को भेजा जाता है या रेफर किया जाता है जिला अस्पताल में, दुर्घटना के समय ना तो उनको प्राथमिक इलाज किया जाता है ना उनको उपचार, मतलब 35 किलोमीटर ईसागढ़ से एक मरीज को यहाँ रेफर किया गया, उसको टांके तक नहीं लगाए गए और नेक्स्ट डे उस मरीज की मौत हो जाती है। ऐसे मामले लगातार सामने आ रहे हैं, इसको रोकने के लिए और ऐसे जो इस टाइप की जो काम हो रहे हैं उसको क्या कार्रवाई करनी? आपकी बात से मैं सहमत हूँ, क्योंकि अगर ईसागढ़ भी तो वो भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र 30 बेड का है और मैं ऐसी आशा करता हूँ एक डॉक्टर तो वहाँ हो गई होगा, 3 डॉक्टर हैं, एक तो हो गई होगा मैं बोल रहा हूँ, तो ये फर्स्ट एड तो उनको भी देना चाहिए। और दूसरी बात, अगर यहाँ इन्होंने की है, अब अगर पेशेंट का नाम बता दे तो मैं उसकी इंक्वायरी करा सकता हूँ, मेरे नॉलेज में वो चीज़ नहीं है, ये